ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार 2021 से सम्मानित डॉक्टर सुमन मोर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि विज्ञान दिवस सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट सिद्धांत की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये दिन आज भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने का दिन है। किस तरह से भविष्य में विज्ञान का एक रोडमैप तैयार हो, वैज्ञानिक प्रगति से हम आगे बढ़ें और युवाओं की इसमें भागीदारी हो, इस विषय को लेकर बीते वर्षों से जो वैज्ञानिक प्रयास हो रहे हैं, चाहे सरकार द्वारा नवोन्मेषियों द्वारा, तो उसके उपलक्ष्य में आज का ये दिन बड़ा अहम है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर नकुल पराशर से। डॉक्टर नकुल पराशर, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम जो कि बीते एक हफ्ते से मनाया जा रहा था पूरे देश भर में, इस कार्यक्रम के संबंध में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विज्ञान प्रसार का ही एक इनिशिएटिव था संस्कृति मंत्रालय और दूसरे विभागों के साथ मिलकर। ये कार्यक्रम किस तरह का रहा और किस तरह से देश में वैज्ञानिक जो सोच है युवाओं में उसको बढ़ाने में ये एक प्रयास था? हम सब जानते हैं कि देश अपने आजादी के 75वें वर्ष में पदार्पण कर चुका है। हम ये भी जानते हैं कि हम पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस सिलसिले में भारत सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों के साथ मिलकर प्रत्येक सप्ताह एक ग्लोरियस आइकॉनिक वीक मनाया जाता है। इस सिलसिले में 22 फरवरी से 28 फरवरी का जो समय था उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ग्लोरियस आइकॉनिक वीक बनाने का प्रयास किया गया, उसकी एक परिकल्पना की गई। संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यभार पूरे देश भर में सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करके इस आजादी के अमृत महोत्सव की ग्लोरियस आइकॉनिक वीक्स को मनाने का था। इस सिलसिले में हमारे देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय उनके साथ जुड़ा और जब ये दोनों संस्थाएं एक साथ जुड़ के इन्होंने जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये जो सप्ताह है इसको मनाने का जब प्रस्ताव हम सबके साथ रखा तो विज्ञान प्रसार ने आगे बढ़कर इसको स्वीकार किया और इसको लीड करने की भूमिका निभाने की कोशिश करी और हमने इसका नाम रखा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान जो सब जगह पूजा जाता है उसकी थीम पे इसको तैयार किया। 7 दिन चले इस पूरे कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन 22 फरवरी 2022 को विज्ञान भवन में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री भी हैं, उनके साथ में थे श्री किशन रेड्डी जी जो संस्कृति के मंत्री हैं, तो दोनों के संयुक्त करकमलों से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी और उसके बाद दिन पर दिन थीम बेस्ड प्रोग्राम्स को हमने आयोजित किया। तो पहला दिन 23 फरवरी को हमने थीम रखा था फ्रॉम द एनल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इतिहास के पन्नों से, इतिहास के झरोके से हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समझने की चेष्टा करी। और ये कार्यक्रम सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमने 75 जगहों पर एक साथ किया, 75 हमने कार्यक्रम आयोजित किए क्योंकि संख्या हमारे पास 75 की थी, लिहाजा हमने 75 उन बातों को याद किया जो इतिहास के झरोकों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हैं। डे 2 को हमारी थीम थी माइलस्टोन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी मील के वो पत्थर जो हमने अब तक के अपने 75 वर्षों के सफर में तय किए हैं उनके बारे में बात करी। उसके बाद डे 3 पे हमारी कोशिश थी स्वदेशी पारंपरिक नवाचार और आविष्कारों की, यानी इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस की, उसमें हमने फिर 75 उन इन्वेंशंस और इनोवेशंस की बात करी जो हमने गुज़िश्ता 75 सालों के अंदर हासिल किए थे। जब हम पहुंचे डे 4 पे तो हमने इसको एक महोत्सव का एक स्वरूप दिया जिसके अंदर कोशिश थी कि हम उस दिन कुछ लिटरेचर से जुड़ा हुआ काम करें और हमारी कोशिश में काव्य पाठ हुए, कवि सम्मेलन हुए, विज्ञान की लघु नाटिकाओं का मंचन हुआ, फिल्में दिखाई गईं और तमाम इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए जिससे कि ये पूरा का पूरा माहौल जो था वो एक महोत्सव बन सके। और जब ये महोत्सव बनता है तो हम सब जानते हैं कि उसके रंग में सराबोर होके हम पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझते हैं। हमारा जो 5वां दिन था उसके अंदर हमारी कोशिश थी कि आगे के बारे में बात करें, 2047 में जब देश अपना 100वां वर्ष मना रहा होगा तब तक और अब से तब तक का जो सफर है उसके बारे में विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझाना चाहते हैं और क्या उनका दृष्टिकोण है उसके बारे में हम बात की। मजेदार बात तो ये कि इन 75 जगहों के हमारी कोशिश रही कि हम 75 लेक्चर करें, 75 एग्जीबिशंस करें, 75 बुक फेयर्स लगाएं और ऐसे तमाम वो सब काम करें जिससे कि आम जनमानस इससे जुड़ सके।
निश्चित रूप से डॉक्टर पराशर आपने हमारे श्रोताओं को बताया, डॉक्टर सुमन मोर को भी मैं शामिल करूंगा। डॉक्टर सुमन, आज आपको पुरस्कृत किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी और संचार के एक आपके इनोवेशन को लेकर। आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी इनोवेशन के बारे में, जिससे कि हमारे जो युवा श्रोता है जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले तो मैं NCSTC को धन्यवाद करना चाहूंगी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस साल इस अवार्ड के लिए मेरे को चुना गया। और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से हम काम कर रहे थे, हमारी ये कॉमिक आई थी किड्स वैल्यू एंड कोरोना, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सवाल थे कि इससे हम कैसे निपटे, और बच्चों में काफी ज्यादा पैनिक था और खुद हमारे आस पड़ोस में एक माहौल ऐसा था, हमारे घरों में बच्चे बड़े ही पैनिक फील कर रहे थे। तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही सीधे और सादे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। अब क्योंकि छोटे बच्चों को एड्रेस करना था तो हमने एक कॉमिक की सीरीज लेकर आए, जिसमें हमने कोरोना से लेकर छोटी छोटी चीजों को एक स्क्रिप्ट लिख के उसको कॉमिक की सीरीज में लेकर आए, और मार्च 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको रिलीज किया, अडॉप्ट किया, और अब तकरीब 20 से ज्यादा भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको काफी अडॉप्ट किया है, लोगों ने इससे काफी इसमें जागरूकता आई है। इस तरीके से करीब 6 सीरीज हमने निकाली और 7वीं सीरीज भी हम लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। मेन मकसद जो था कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की कोई भ्रांति ना रहे, किस तरह से हम जागरूकता लोगों में लेके आ सकते हैं ताकि लोग अपना एक योगदान दें, इस महामारी से बच के रहें। और आज के समय में ऐसी चीजों को लेकर आने की बहुत सख्त जरूरत है। जो भी नॉलेज, जो भी हमारे पास एक्सपर्टाइज है, उसको हम बहुत सरल और सीधी भाषा में कैसे लोगों तक पहुंचाएं, रीजनल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके भारत के कोने कोने तक लेकर जाएं, ताकि वो मैसेज सब तक पहुंचे और लोग अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। हम सब में कोई ना कोई एक वैज्ञानिक जरूर होता है, बात होती है उसको आपने किस तरह से प्रोत्साहन देना है। हमारा युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर भी किया है। तो अब बच्चे अपना एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, ई प्लेटफॉर्म भी मिल गया, और भी प्लेटफॉर्म मिले हैं। बच्चों के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, बड़ों में जो भी क्रिएटिविटी है, चाहे वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में हो, सोशल एस्पेक्ट को, सोशल इशू को एड्रेस करना है, एनवायरमेंट या पब्लिक हेल्थ इशू को एड्रेस करना है, तो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को वो समझे और उसको किस तरीके से लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, हमारा जो युवा है उसमें काफी योगदान दे सकता है। डॉक्टर पराशर, डॉक्टर सुमन ने जैसा कि कहा, बीते सालों में लोगों ने और खासतौर पर युवाओं ने अपनी रचनात्मकता को लेकर काफी कुछ प्रयास किए हैं और कई इनोवेशन हमारे सामने आई हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम नित नए इनोवेशन के बारे में सुनते हैं। और निश्चित रूप से इसमें सरकार के जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि युवा आगे आ रहे हैं सामने। विज्ञान प्रसार के हम योगदान के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से विज्ञान प्रसार अपनी अलग अलग तरह की पहल के माध्यम से देश में वैज्ञानिक सोच को पैदा करने में, उसे बढ़ावा देने में मदद करता है। विज्ञान प्रसार 11 अक्टूबर 1989 यानी आज से 32 वर्ष पूर्व उसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मैंडेट था वो था देश के अंदर विज्ञान का लोकप्रियकरण, संचार और उसका प्रसार। और 32 सालों के अंदर इसने कई पड़ाव तय किए हैं, कई मंजिलें हासिल की हैं, जिसके अंदर इसका मकसद हमेशा से रहा है कि साइंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, लोगों के अंदर एक पॉपुलराइजेशन क्रिएट कर सके। लिहाजा आज जिस जमाने की बात करते हैं उसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, इन चारों माध्यमों के जरिए विज्ञान प्रसार लगातार काम कर रहा है। प्रिंट के क्षेत्र में विज्ञान प्रसार पिछले 20 सालों से एक मासिक पत्रिका Dream 2047, जो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश, उसमें उसका प्रकाशन करता आ रहा है। इसके अलावा अभी 3 सालों के अंदर हमने भारतीय भाषाओं के अंदर बहुत सारा काम शुरू किया है, कश्मीरी, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, इन सब के अंदर लगातार हमारी मासिक पत्रिकाएं आनी शुरू हो गई हैं जो लोकप्रिय विज्ञान के ऊपर होती हैं। प्रिंट के अंदर और बात करें तो करीब 300 टाइटल्स अब तक हमने मौलिक पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया है और ये लोगों में बहुत लोकप्रिय है। रही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो विज्ञान प्रसार ने देश का पहला साइंस का OTT चैनल, OTT आज हम सब जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है, इस तरह के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर विज्ञान का पहला OTT चैनल indiascience.in हमने लॉन्च किया था आज से करीब 3 वर्ष पहले। और आज मुझे बताते हुए आपको हर्ष होता है कि हमने 3 सालों के अंदर करीब 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया,
एक लाइटर साइड पे कहें तो हमने बॉलीवुड का भी रिकॉर्ड इसमें तोड़ा और फिल्मों को बनाने के अंदर, और लोगों ने इसको बेहद पसंद किया और लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कई सालों से साइंस ऑन टीवी तो हम करते ही हैं, और उसके अलावा राज्यसभा टीवी के साथ और लोकसभा टीवी, अब जो संसद टीवी हो गया, उसके साथ हमने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अंदर एक हफ्ते का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, और इस कार्यक्रम के जरिए हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार करें। बात यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो विज्ञान प्रसार रेडियो के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है। मानव का विकास एक बहुत मशहूर सीरियल रहा है ऑल इंडिया रेडियो का, जिसके साथ विज्ञान प्रसार पूरी तरह से जुड़ा रहा, और उस वक्त की पीढ़ी के बच्चे रहे होंगे शायद, उस सीरियल से मैं भी लाभान्वित रहा हूं। जी, इस साल जो हमारा 52 हफ्तों का जो सीरियल ऑल इंडिया रेडियो के साथ चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसका नाम है आने वाला कल, और अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं वेलकम टुमारो। और जितने भी समाचार पत्र हैं, हम सब जानते हैं पीटीआई, यूएनआई, इस तरह की जो न्यूज एजेंसीज हैं, ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज एजेंसी को पहली बार हमने शुरू किया, और हम सारे अखबार वालों को, सारे प्रेस में, मीडिया में, जिनको तैयार जानकारी चाहिए होती है विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान हमेशा से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है लोकप्रियकरण की दृष्टि से, और उसके अंदर हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसको पॉपुलर तरीके से लिख पाते हैं, लिहाजा उनको तैयार करके न्यूज को पढ़ने योग्य बनाने के लिए भी एक कठिन कार्य होता है, जिसको भी विज्ञान प्रसार साथ में करता है। विज्ञान प्रसार की अन्य गतिविधियों के अंदर हम एक नेटवर्क क्लब चलाते हैं, जिसके अंदर करीब हमारे 16,000 से अधिक क्लब्स हैं, नेटवर्क क्लब्स, जिसको विपनेट क्लब्स कहते हैं, और स्कूल और बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। बात यहां खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि एंगेज विद साइंस करके हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है विज्ञान का बच्चों के साथ, जिसके अंदर करीब 22,000 से अधिक स्कूलों को जोड़ चुके हैं और 50,000 स्कूलों की तरफ बढ़ चुके हैं। आज विज्ञान दिवस पर हमने एक कार्यक्रम है अवसर, आर्टिकुलेटिंग स्किल्स, जो रिसर्च स्किल्स हैं, पीएचडी के जो बच्चे होते हैं अपना जो रिसर्च करते हैं उसको अगर एक आम आदमी को समझाना हो तो कैसे करें, तो उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अंदर पीडीएफ मानी पोस्ट डॉक्टरल फेलो और पीएचडी के स्कॉलर्स जो हैं वो अपने काम को आम भाषा में लिखते हैं, फिर उनका चयन किया जाता है, उनको 1,00,000 से ऊपर का भी पुरस्कार मिलता है। डॉक्टर सुमन, आपका तो रोज वास्ता युवाओं से होता होगा, आपके जो युवा परीक्षार्थी हैं, आपके विद्यार्थी हैं, उनके अंदर आपको कैसी वैज्ञानिक सोच लगती है? बच्चे बहुत जागरूक हैं, उनको काफी प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, अगर उनको इस तरह का आज ये किए अवार्ड सीरीज शुरू की है, और माननीय मंत्री जी ने भी आज सुबह कहा कि 15 साल से कम बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह के अवार्ड की सीरीज शुरू करें या कुछ और इस तरह के प्रोग्राम शुरू करें, तो बच्चे और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे, और जिनका विज्ञान की तरफ रुझान है वो बच्चे और प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा प्राश्य सर ने कहा है कि बहुत सख्त जरूरत है आज के समय में कि विज्ञान को इतनी सरल भाषा में अच्छे रूप में लेकर आए कि उनका और ज्यादा रुझान बढ़े, और जो हमारा देश का युवा है उसको हमारे भारत के अंदर ही इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए कि वो एक रिसर्च कर पाए और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए, और हमारा जो ब्रेन ड्रेन ना हो, विदेश की तरफ ना भागे और अपने देश के लिए वो सेवाएं दे। डॉक्टर पराशर, रोड मैप आगे आने वाले 25 सालों के लिए तैयार किया गया? देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमने जो अब तक का सफर तय किया है उसके अंदर जो मील के पत्थर हासिल किए हैं वो लगातार हमने पुरातन जो हमारा विज्ञान है उसकी मदद ली, और जहां से जो भी कुछ मिला उसको हमने सम्मिलित करके आगे बढ़े हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं उसको हमने अपने आप आत्मसात करने की चेष्टा करी, और उसके बाद उसको हम आगे बढ़े, और इन सबसे हमें बहुत कुछ मिला है। आज भारत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सुपर पावर है, हम सब जानते हैं। हम देख रहे हैं कि अगले 25 वर्षों के अंदर, चाहे वो बायो साइंसेज हो, चाहे वो मैथमेटिकल साइंसेज हो, चाहे नेचुरल साइंसेज हो, या टेक्नोलॉजी की कोई भी शाखा हो, उस सबको मिलाकर अब इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की तरफ बढ़ने का समय बहुत तेजी से आगे आ रहा है। और इसके अंदर हमने ये भी देखा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिस तरह से हमने जो संभावनाएं पैदा की हैं उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और खासकर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नया क्षेत्र जो नया डेवलप हो रहा है वो हाइब्रिड एआई का, उसके अंदर हमारे जो संस्थान है वो विश्व के अंदर सबसे आगे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं वो बहुत दूर नहीं है हमसे, जिस तरह से हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं विशेषकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर, यही हमारा लक्ष्य है कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विश्व गुरु बने। डॉक्टर नकुल पराशर, डॉक्टर सुमन मोर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार 2021 से सम्मानित डॉक्टर सुमन मोर, और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।